नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर तख्ती की तैयारी है। योगी सरकार कल यानी कि 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही ऐसे में ये लोग 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रह जाएंगे। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 के मुताबिक एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की गुजारिश है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार रविवार 11 जुलाई को प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। सरकार कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करेगी। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और राज्य का समुचित विकास हो सके। सीएम योगी ने एक बयान में कहा है कि गरीबी और निरक्षरता जनसंख्या विस्तार के प्रमुख कारक हैं। कुछ समुदायों में जनसंख्या के बारे में जागरूकता की कमी भी है और इसलिए हमें समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य के कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2.7% है, जबकि आदर्श रूप में यह 2.1% से कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर अधिकांश राज्यों में यह उपलब्धि हासिल भी है। प्रवक्ता ने कहा है कि नीति जनसंख्या नियंत्रण के लिए 5 आयामी दृष्टिकोण का पालन करेगी और यह स्वास्थ्य में सुधार पर भी केंद्रित है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच में वृद्धि करना और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करना है। प्रवक्ता ने कहा कि दूसरी ओर नपुंसकता और बांझपन के समाधान प्रदान करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या को स्थिर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, साथ ही नवजात शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। नई नीति को अंतिम रूप देते समय सभी समुदायों में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएँ देने का भी प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के लिए 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण समेत कई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद राज्य की जनसंख्या नीति तैयार की जा रही है। इस बीच यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल राज्य की बढ़ती आबादी को रोकने में मदद के लिए सरकार के लिए एक मसौदा कानून भी तैयार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा है कि अगले 2 महीनों में मसौदा कानून तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।